नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नगर परिषद सिलवानी जिला रायसेन की अपील है, नगर में कोरोना से बचाव के लिए शासन के नियमों का पालन करते हुए निम्न बातों का ध्यान रखें। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क जरूर पहने, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और एक दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखें। कृपया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में सहयोग करें, कचरा डस्टबिन में ही डालें। निवेदक संघ मित्रा बौद्ध, प्रशासक SDM नगर परिषद अधिकारी सलवानी। राजेंद्र शर्मा, मुख्य नगर परिषद अधिकारी सलवानी। ग्राम मोहनपुरा थाना बीरपुर मई में एक व्यक्ति धारदार हथियार और लाठी लेकर किसी अपराध को अंजाम देने के आशय से घूम रहा था। इसके बाद गांव वालों ने इसे पकड़ लिया और नीम के पेड़ के नीचे बैठाकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने जाकर गांव वालों से छुड़ाया। नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम श्रीनिवास पुत्र रोशन जाटव बताया, जिसके पास मिले चाकू, छुरी, लाठी और गांजे की चिलम आदि को जब्त किया गया है और थाना बीरपुर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो पाया गया कि आरोपी रघुनाथपुर का गुंडा है, जिस पर रघुनाथ थाने के साथ सबलगढ़ और करणपुर राजस्थान में कुल मिलाकर 9 अपराध पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने उसे बचाने आए दो साथियों पर भी कार्रवाई की है। आरोपी श्रीनिवास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। हमारा कोई भी नहीं है, पत्थर बनने चला गया, हमारे पत्थर पड़े तो हमारे ससुर साहब भी हटे, उनके पास ही पहुँच गए, उनको धमकी दे रहा है कि बाबा साहब मेरे पास में आओ तुम, तो उनको चाकू निकाला, तलवार निकाली, वो पूछने लगा आपकी बहू कहाँ थी, आपकी बहू उनके जेवर कितना चढ़ाया उनके बाप ने, वो गिलोल निकाली और तुमको नो कहे तो बाबा मेरे को सही बात बता नहीं, तुमको सबू में जान से खत्म कर दूंगा। आपके हमारी बच्ची पहुँची, रोती भगराती और उसने कही कि बड़ी मम्मी मार दे, दादा मार दे, पापा मार दे, कागतन और पूरी बहू बेटी है तो ले गिलोल और ले चाकू और सीखा कागतन मारने भजा, जब घर में घुस के प्राण बचाए सर। हाँ, बच्ची भाग पड़ी थी, हमारे पास पहुँची सर। कितने लोग थे ये सर? ये एक अकेला था, फिर इसके दो सपोर्टर हमारे गांव के आए गए, इसको ये हमारा आदमी, इसको मत मारो, हमने ले जाए। घटना के बाद सूचना दी सर, हमारे पास पुलिस पहुंची, उसको पकड़ के लाई पुलिस और सब हम आपके सामने खड़े थाने में। पास कोई हथियार? चाकू मिला, गिलोल मिली, तलवार मिली सर। तलवार भी मिली थी? हाँ, ये है फोटो है सामने। सूचना मिली थी जरिए मोबाइल कि मोहनपुरा में कुछ दो तीन लोग हैं, वो गांव में घुस आए हैं, तो उसकी नजदीक हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ बताया गया कि एक तो श्रीनिवास जाटा है रघुनाथपुर का, ये वहाँ का गुंडा है, इस पर करीबन 7-8 अपराध पहले से पंजीबद्ध है। तो ये कुछ गिलोल और गांजे की जो वो चिलम होती है वो लेकर और कुछ तलवार वलवार इसके पास में थी और लाठी डंडा था, वहाँ पे गया हुआ था और वहाँ किसी से पानी मांगा और झगड़ा करा इसने उनके साथ में, और उसके बाद उन्होंने सूचना दी तो गांव वालों ने कहा इनको बंधक भी बना लिया था। फिर इसके कोई एक दो साथी और थे, इसकी मदद करने आए थे तो उनको भी गांव वालों ने पकड़ लिया था, वो मोहनपुरा के ही हैं। तो इसके पास जो भी तलवार वगैरह मिली है, चाकू छुरी और चिलम वगैरह जो गांजा वगैरह पीता है उसका आदि है, जो भी चीज़ें मिली हैं उन्हें हमने जब्त कर लिया है और इसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई हो रही है कर रहे हैं। गाँव वालों के द्वारा इसकी थोड़ी मारपीट वगैरह भी की गई है और उन्हें भी हम लोग चिंतित कर रहे हैं, उसका मेडिकल करवा रहे हैं ज़्यादा छोटे को भी, बाकी जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जा रही है और जो उसके साथी वगैरह थे जो इसको बचाने आए थे उनके खिलाफ भी हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।